आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी थोड़े अलग तरीके से, बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो भिंडी लिया है, जिसको अच्छी तरह से धुलने के बाद साफ कर लिया है, और इसके बड़े बड़े पीस काट के हम रेडी करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि भिंडी को आपको थोड़ा सा बड़ा काटना है, और इसके साथ ही हम 4 से 5 हरी मिर्च और 4 प्याज यूज करेंगे। प्याज को भी आपको रफ काटना है, और अपनी जो हरी मिर्च है इसको भी हम थोड़ा सा रफ काटेंगे। एक कढ़ाई या पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ऑयल की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। तो हमारा जो ऑयल है वो गरम हो गया है, अब इसमें हम डायरेक्ट अपना प्याज ऐड करेंगे, और प्याज के साथ ही हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पर हींग जीरा वगैरह यूज नहीं करेंगे। प्याज को हम फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग करना है आपको, डिफरेंट टाइप से भिंडी रेडी कर रहे हैं तो धनिया 1 चम्मच के लगभग धनिया जो पाउडर होता है वो हम पहले ऐड कर देंगे, और प्याज के साथ धनिया पाउडर को हम फ्राई करेंगे। धनिया पाउडर को प्याज के साथ फ्राई करने से एक अलग ही तरीके का फ्लेवर आ जाता है। तो हमारा जो प्याज है वो फ्राई हो गया है, अब हम ऐड करेंगे अपनी भिंडी। धनिया पाउडर के अलावा यहाँ पर आपको अभी कोई मसाला यूज नहीं करना है, और भिंडी को अच्छी तरह से हम अपने प्याज में मिक्स कर देंगे। और अब हम बहुत ही बेसिक मसाले यूज करेंगे। 1 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के लगभग गर्म मसाला पाउडर, नमक अभी ऐड नहीं करना है आपको, नमक बिल्कुल एंड में हम ऐड करेंगे। और भिंडी को आपको फ्राई करना है, तो यहाँ पर पानी वगैरह भिंडी में यूज नहीं करते हैं, और इसको हम ढककर भी नहीं रखेंगे, इसको हम ओपन इसी तरीके से फ्राई करेंगे। बीच बीच में आपको भिंडी को चलाते रहना है, तो 15 से 20 मिनट में हमारी जो भिंडी है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। और अब आप इसमें अपना नमक ऐड कर सकते हैं, नमक यूज करेंगे स्वादानुसार, और इसको 2 से 3 मिनट हम लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। तो हमारी जो भिंडी की सब्जी है बनके रेडी हो गई है। भिंडी की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो एक बार इस तरीके से बना के देखिए, और कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ मैं आपसे। थैंक यू।